एक गीतकार खुद को तभी कामयाब मानता है जब उसके गीत आवाम की जुबां पर चढ़ जाएं। ये करामात वही गीतकार कर सकता है जो लोगों के स्वाद को समझता हो। आसान लफ्जों में गीत लिखने का ये हुनर शकील बदायूनी बाखूबी जानते हैं। यही वजह है कि उन्हें लगातार 3 बार बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। दरअसल शकील की आज जयंती है। शकील बदायूनी ने मुगले आजम और मदर इंडिया जैसी शानदार फिल्मों में हिट गाने लिखे थे। उनके लिखे गए मुगले आजम के गीत मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या गम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, इस गाने को आज भी बड़े शौक से सुना जाता है। हालांकि बदायूं का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले शकील को उन्हीं के शहर के लोग भूलते जा रहे हैं। शकील की याद दिलाता उनका पुश्तैनी घर भी आज खंडर में तब्दील हो चुका है। शहर में शकील के नाम से बना एक छोटा सा पार्क भी अतिक्रमणकारियों का शिकार हो गया है और पार्क में लगी उनकी प्रतिमा भी बैनर और होल्डिंग से छुप गई है। तो स्थिति आपके सामने है, जो भी है, इस समय काफी खराब स्थिति हो चुकी है उनके इस महल की, खंडर में तब्दील हो चुका है लगभग। शकील साहब ने पूरे विश्व में बदायूं का नाम फेमस किया, पूरे वर्ल्ड में उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं और मैं सोचता हूँ जो गाने उन्होंने लिख दी वो आज तक कोई शायर नहीं लिख पाया। जिस तरीके से उन्होंने बदायूं का नाम रोशन कराया है पूरी दुनिया में, ऐसा शायर अभी तक तो शायद है नहीं। तो आपको उनकी कमी महसूस होती है? जी बिल्कुल होती है, पूरे वर्ल्ड को, हमारे पूरे बदायूं को उनकी कमी आज भी महसूस होती है। बता दें कि शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास आउट होने के बाद शकील ने दिल्ली में सप्लाई ऑफिसर के तौर पर नौकरी शुरू की, मगर 1944 में वह मुंबई आ गए। यहां पर उनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर A.R. करदार से हुई। करदार ने उन्हें नौशाद से मिलवाया। इसके बाद शकील ने सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू की। अपने पहले ही गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का ने शकील को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड में शकील, नौशाद, रफ़ी और दिलीप कुमार की जोड़ी सफलता का प्राय बन गई थी। वहीं शकील के प्रशंसकों का कहना है कि उनके घर की हालत की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोई शकील साहब का कोई वारिस तो आता नहीं है उस घर को ठीक करने के लिए, लेकिन ये सब बदायूं के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके घर की जर्जर स्थिति है उसको ठीक करें। हम सभी नागरिकों का ये फ़र्ज़ है कि एक ऐसा शख्स के जिस बदायूं जिसके नाम से बदायूं की पहचान है उसके घर के लिए को ठीक किया जाए और उसमें एक म्यूज़ियम टाइप की भी एक चीज़ कायम की जाए कि जिसमें शकील साहब से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, यादें, जो भी उनकी कृतियाँ वगैरह और उनकी किताबें हैं उनको रखा जाए। तो मेरा भी यही सुझाव है कि एक म्यूज़ियम उनके नाम से बनना चाहिए, एक लाइब्रेरी बनना चाहिए बड़ी, और बदायूं में शकील साहब के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस, नेशनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए कि जिसमें तमाम उर्दू और हिंदी के अदीबों, साहित्यकारों को बुलाया जाए और शकील साहब ने जो काम किया है उसको उजागर किया। एक मौलवी के परिवार में जन्मे शकील के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये बच्चा आगे चलकर उर्दू साहित्य और बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाएगा। फिल्मी जिंदगी की शुरुआत फिल्म दर्द से करने वाले शकील ने लगभग 108 फिल्मों में गीत लिखे जो बॉलीवुड में आज भी मील का पत्थर हैं। शकील को बेहतर गीतों के लिए लगातार 3 बार और कुल 11 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जो किसी गीतकार के लिए आज भी एक रिकॉर्ड है। बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।